आप लोग पूछ रहे थे NH-10 का अपडेट. अभी NH-10 का कल एक एक्सपर्ट कमेटी विजिट हुआ था. SHAC सुपरिटेंडेंट इंजीनियर फ्रॉम NH-10 और हम लोगों का RTO डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन और पुलिस गए थे, गया जाके देख रहे थे. बट अभी भी कुछ चीज़ वल्नरेबल स्पॉट्स है. अभी भी सेल्फीदारा और बिरिकदारा में जगह बहुत कम है. कुछ डेंजर्स भी है. बट उन लोग जितना अभी रिपेयर किया उसी को लेके हम लोग सोच रहे हैं कि एक एटलीस्ट सिंगल लेन में छोटो गाड़ी हम लोग छोड़ सकते हैं. बट उसी का एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आज, बिकॉज MORTH से कुछ टीम आया, PWD के साथ आज विजिट में जा रहा है. उसके बाद उन लोग ऑफिशियल कम्युनिकेशन देने में हम लोग डेफिनेटली मोस्ट प्रॉब्ली आज के इवनिंग बा कल हम लोग एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन दे सकते हैं. बट प्रॉब्ली द सिचुएशन इज छोटो गाड़ी सिंगल लेन में दे सकता है. दैट इज़ द प्रेजेंट असेसमेंट. उसको लेके हम लोग ऑफिशियल कम्युनिकेशन हम लोग देंगे. क्या रेस्ट्रिक्शन होगा, टाइमिंग में रेस्ट्रिक्शन होगा क्या, इसी तरह से थोड़ा टेक्निकली हम लोग का ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आना चाहिए PWD से. सो उन लोग अभी एक फील्ड विजिट में है. उन लोग आने के बाद हम लोग का ऑफिशियल रिपोर्ट देने में RTO और पुलिस को कंसल्ट करके हम लोग एक ऑर्डर, ऑफिशियल ऑर्डर निकालेंगे. और जितना जल्दी मैक्सिमम रिपेयर वर्क कर सकता है, गवर्नमेंट प्लान कर रहा है, PWD उसी का प्रोजेक्ट्स लेके जा रहा है. बट बारिश की वजह से बहुत सारा जगह में हम लोग का काम स्लो हो रहा है. इसके अलावा भी NH-10 में बहुत सारा स्पेसिफिक मिल्ली एरिया, मल्ली एरिया उसी टुवर्ड्स रंगपो में कुछ कुछ जगह में कुछ रोड्स में क्रैक भी दिख रहा है. सो हम लोग केयरफुली उसको देख रहे हैं. सो वॉट एवर प्रिवेंटिव एक्शन हैज़ टू बी टेकन इज बीन टेकन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज क्लोजली फॉलोइंग अप विद PWD फॉर द सेफ्टी ऑफ पीपल यूजिंग द NH-10.